स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सैम्पल साइज और उसके एस्टिमेशन मेथड्स पे और पहले देखते हैं कि सैम्पल साइज को हम कैसे डिफाइन करते हैं सैम्पल साइज इज़ अ रिसर्च टर्म यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड इन अ रिसर्च स्टडी टू रिप्रेजेंट आ पॉपुलेशन सो द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सैम्पलिंग एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन अ सैम्पल इज कॉल्ड अ साम्पल साइज सैम्पल साइज़ इज़ डिनोटेड बाई एन स्मॉल एन सो इफ द पॉपूलेशन इज़ नोन द एस्टिमेशन मैथड इज़ डिफरेंट वैन द पॉपुलेशन इज़ नाट नोन तो जब आपकी पॉपुलेशन uh, नोन हो यानी आपको टोटल नंबर ऑफ पापुलेशन का पता हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है या उसकी एस्टिमेशन का जो मैकेजम है वो इंटायरली डिफरेंट है कि जब आपको इसका नहीं पता तो इसके लिए बहुत सारे स्टस्टिकल जो है फार्मूलाज अवेलेबल हैं उनमें से एक रिनाउंड फार्मूला जो है वो तारो यमनी फार्मूला है इसके अलावा मॉगन स्टेबल भी है और कुछ और फार्मूलाज भी हैं तो हम इस जो अपने कोर्स है उसमें तारो यमनी फार्मूला जो है उसको स्टडी करेंगे इट्स अ सिंपल वन और ये सोशल साइंस में मोस्टली यूज्ड फार्मूला है और इसमें जो है ये फार्मूला जो है 1969 में डेवलप किया गया बाय तारो यमनी और उनके नाम से इसको तारो यमनी फार्मूला कहा जाता है तो इसमें जो इसकी इक्वेशन है वो है नाइन सैम्पल साइज इज़ इक्वल टू पापुलेशन डिवाइडेड बाय वन प्लस एन ई स्क्वायर तो ई हेयर इज़ दाम्पलिंग एरर लेट्स सी कि अगर आपका पॉपुलेशन जो है वो फाइव है और आपका जो साम्पलिंग एरर है वो फाइव परसेंट यानी पॉइंट ज़ीरो फाइव है तो आपका जो एस्टिमेटेड सैम्पल साइज़ होगा वो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू होगा और अगर आपकी पॉपुलेशन का साइज़ फाइव थाउजेंड है और सिमिलर सैम्पलिंग एरर है तो आपका जो एस्टिमेटेड सैम्पल साइज़ है थ्री सेवेंटी होगा आ, और ये जो एस्टिमेशन ऑफ सैम्पल है ये एक जब पॉपुलेशन जब एक सर्टन Uh, जो है नंबर तक पहुंच जाती है तो उसके बाद आपका जो सैम्पल साइज़ है वो रिलेटिवली जो है उसमें इतना इजाफा नहीं होता जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर 500 है तो सैम्पल हमारा 222 था और फाइव uh, है तो तो हमारा सैम्पल 370 हो गया है तो ये एक कंसिडरबली हाई इंक्रीज है इन सैम्पल साइज़ मगर अगर आप पापुलेशन 50,000 हो जाए और आपका सैम्पलिंग एरर फाइव परसेंट ही रहे तो आपका एस्टिमेटेड सैम्पल साइज़ जो है वो थ्री नाइन्टी सिक्स है तो अब इसमें कोई हाई आपकी पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई पाँच हज़ार से पचास हज़ार हो गई मगर आपका सैम्पल साइज़ है वो थ्री सेवेंटी से थ्री नाइन्टी सिक्स यानी उसमें सिर्फ छब्बीस जो है सैम्पलिंग एलिमेंट्स का अजाफा हुआ है और अगर ये पॉपुलेशन फाइव हंड्रेड थाउजेंड हो जाए यानी पाँच लाख हो जाए और सैम्पलिंग एर फाइव परसेंट ही रहे तो फिर आपका एस्टिमेटेड सैम्पल साइज़ थ्री हंड्रेड नाइन होगा यानी उसमें आप सिर्फ तीन रिस्पोंडेंट्स का इजाफा हुआ थ्री तीन सैम्पलिंग एलिमेंट्स का इजाफा हुआ सो वी कम टू नो दैट के आफ्टर सर्टन फिगर जो पॉपुलेशन अगर उससे ज़्यादा बढ़ती है तो फिर सैम्पलिंग uh, जो सैम्पल साइज़ है उसमें लेस uh, इंक्रीज होता है अब इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि सैम्पलिंग एरर हम जनरली फ़ाइव परसेंट रखते हैं तो ये आ, इसको हम पॉइंट ज़ीरो वन भी रख सकते हैं और पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन भी रख सकते हैं यानी अगर हम नाइन्टी नाइन परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हैं तो हमारा सैम्पलिंग एरर जो है वो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन होगा और अगर हम नाइन्टी परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल ले रहे हैं तो हमारा सैम्पलिंग एर uh, वन परसेंट होगा पॉइंट जीरो वन होगा तो वो जब आपका uh, जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल नाइन्टी नाइन परसेंट होगा और आपका सैम्पलिंग एर पॉइंट जीरो वन होगा तो आपका सैम्पल साइज हाई आएगा और अगर आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल लो है और आपका सैम्पलिंग एर वन परसेंट है यानी नाइन्टी परसेंट और इसके साथ आपका साम्पलिंग एर वन परसेंट है तो टेन परसेंट है तो इसमें जो आपका सैम्पल साइज़ जो होगा वो लो होगा यानी थ्री नाइन्टी नाइन से कम बनेगा और इस केस में जब आपका सैम्पलिंग एरर पॉइंट जीरो ज़ीरो वन है तो इसमें इससे ज़्यादा हाई होगा तो ये जो तारो जमनी फार्मूला है इसमें ये बड़ी इम्पॉटेंट चीज़ है कि आपका पॉपुलेशन का साइज़ क्या और एरर आप क्या ले रहे हैं ज़्यादा एरर लेंगे तो सैम्पल साइज़ छोटा होगा कम एरर लेंगे तो आपका सैम्पल साइज बड़ा होगा इसीलिए जो क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ हैं उसमें जो रूल ऑफ द थंब है जो प्रैक्टिस है वो यही है कि हम सैम्पलिंग एरर पॉइंट जीरो फाइव लेते हैं ताकि ना ही सैम्पल बहुत ज़्यादा छोटा हो और ना ही सैम्पल बहुत ज़्यादा बड़ा हो